गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स इन डीबीएमएस ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन्स का देखिए तात्पर्य आप समझते हैं, ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है किसी चीज़ से लेन देन। जैसे अपन बैंक वगैरह हम क्या करते हैं, डेटा पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं, विड्रॉल करने जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं। तो वैसे ही हमारे पास डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि डेटाबेस में होने वाले ऑपरेशंस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है। डेटाबेस में क्या होती है, एक्सेस ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है। डेटाबेस में लेन देन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन कहलाता है। सभी प्रकार के डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशन जो शुरुआत और अंत में दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यानी एक तरीके से करना है, दो तरीके से करना, तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन कहलाती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो क्वेरी में हम कोई डेटा स्टोर होता है तो क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है कि हमने डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म किया। कोई जैसे हमने मान लो वो रिकॉर्ड्स निकाले जिनकी सिटी चित्रकूट है, तो हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन किया है, यानी उसमें हमने ऑपरेशंस लगाया हुआ है कि वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सिटी क्या हो, चित्रकूट हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं। और मान लो हमने आपको बताया कि दूसरे यूज़र ने क्या किया, कोई ऐसा यूज़र है जिसने वो रिकॉर्ड्स अपडेट करी जिनकी सिटी चित्रकूट है, उनकी जगह पे क्या हो जाए, इलाहाबाद हो जाए, तो एक डेटाबेस पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इन ट्रांजेक्शन्स का जो मेंटेन करने का जो तरीका होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन। अब देखिए ट्रांजेक्शन एक डेफिनेशन समझिए, ट्रांजेक्शन किसी वर्क, वर्क मतलब कोई भी वर्क होता है, कि एक सिंगल लॉजिकल यूनिट होती है। क्या होती है, एक सिंगल लॉजिकल यूनिट होती है। इस वर्क में ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, यानी इस वर्क में ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा पर काम करते हैं। यानी जो हमारे पास हमने क्या हुआ, ट्रांजेक्शन ऐसे वर्क और ऐसे सिंगल लॉजिकल यूनिट्स होते हैं जो डेटाबेस में ऑपरेशंस, यानी उन वर्क के लिए क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जो डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा पर काम करते हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किस पे काम करते हैं, डेटाबेस में स्टोर डेटा पर काम करते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस बनाया, इस तरह डेटाबेस है और यहाँ पे एक अलग अलग यूज़र, जैसे एक यूज़र ए है, एक यूज़र वी है, एक यूज़र सी है, तो ये सारे यूज़र अलग अलग तरीके से काम करते हैं और एक साथ अलग एक समय में भी कर सकते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली भी एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इनमें जो हमारे पास है ट्रांजेक्शन्स को अगर हम डिस्ट्रिक्ट टाइम्स में एसोसिएट करें तो ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास है कि लेन देन एक प्रोग्राम यूनिट है। लेन देन क्या, एक प्रोग्राम जिसका एग्जीक्यूशन डेटाबेस की सामग्री यानी डेटाबेस में स्टोर डेटा को बदला जा सकता है या नहीं भी कर सकते हैं, यानी डेटाबेस में एग्जीक्यूट करना, तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को मैनेजमेंट करना पड़ता है। ट्रांजेक्शन्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड फॉर कनकरेंसी इन ट्रांजेक्शन्स। कंकरेंसी मतलब होता है साइमल्टेनियसली एक साथ एक समय में मल्टीपल डेटा को एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक समझाते हैं, एक डेटाबेस हमारे पास रिसोर्स है, इसमें कई यूजर और प्रक्रिया प्रोसेस द्वारा एक साथ करते हैं। कैसे करते हैं, एक साथ कर, उदाहरण के लिए जैसे अपन बैंक प्रणाली देख लें, रेलवे रिजर्वेशन देख लें, एयरलाइंस देख लें, शेयर बाजार देख लें, सुपर मार्केट देख लें, चेकआउट देख लें। तो आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशन में एक साथ कई लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, कई लोग एक साथ टिकट बुक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल्स को मैनेज करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, डेटाबेस में मैनेजमेंट है, डेटाबेस के ट्रांजेक्शंस को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। अब देखिए हम ट्रांजेक्शंस की बात करें तो ट्रांजेक्शंस में हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं, एक एक्टिव स्टेट्स, पार्शियली कमिट, कमिट स्टेट, फील्ड स्टेट, टर्मिनेट स्टेट। अब देखिए हमारे पास अगर हम इस उदाहरण से समझें तो बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें हम एक्टिव ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, रीड और राइट करते हैं। अगर वो पूरी तरह से किसी कारणवश बीच में फेल्ड होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, अवॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है एक्टिव होने के टाइम पे। अगर हमारा ट्रांजेक्शन एंड हुआ और पार्शली रूप से हमने उसको बीच में रोका तो वो अबॉर्ट होगा, तो फिर ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा।
पार्शली अगर हमने कमिट नहीं किया तो ट्रांजेक्शन एंड होगा, एंड के बाद कमिट होगा, कमिट होने के बाद ट्रांजेक्शन आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से हम समझते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। जैसे हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, रीड राइट ऑपरेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुली गया, ठीक, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम, हम बीच में इसको रोका भी नहीं और हमने यहाँ पे इसको कमिट हो गया, कमिट होने के बाद प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको एक्टिव किया, हमने गलती से एक्टिव कर दिया, अब उसको हमें रोकना, तो हमने कैंसिल बटन पर क्लिक किया, यानी ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो गया, ठीक। हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दिया पर हमें लगा कि यार इसकी प्रोसेसिंग जल्दी, हमें इसको रोकना, तो हमने उसको पार्शली लूप से क्या कर दिया, अवॉर्ड कर दिया, अगेन ट्रांजेक्शन हमारा फेल होके दोनों स्थिति में फिर उसके ट्रांजेक्शन हमारा क्या होगा, कमिट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है वो स्टेट हमारे पास एक्टिव क्या, ए ट्रांजेक्शन टू एंट्रीज इंटू एक्टिव स्टेट व्हेन एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग बिगनिंग, यानी क्या होता है, यानी एक्टिव प्रोसेस, ऐसे ट्रांजेक्शन जो एक्टिव हैं किसके लिए, एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए, ड्यूरिंग स्टेट रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म, यानी किसके लिए, रीड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वो एक्टिव हैं क्या, प्रोसेस। अब पार्शली अगर कमिट की बात करें, एक ट्रांजेक्शन गोज इंटू पार्शली कमिट स्टेट आफ्टर टू एंड ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को एंड होने से पहले ही, यानी टर्मिनेट होने से पहले ही हमने उसको बीच में अगर रोक दिया, एग्जीक्यूशन के टाइम ही रोक दिया, तो वो हमारा क्या, पार्शली। फिर हमारे पास कमिटेड स्टेट, व्हेन ट्रांजेक्शन इज द कमिटेड स्टेट, कमिटेड स्टेट, कमिटेड टू स्टेट हैज ऑलरेडी कंप्लीट एग्जीक्यूशन, अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है सक्सेसफुली, वो मोर एवर ओवर ऑल चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन डेटाबेस परमानेंटली, और जो डेटाबेस में पर जो चेंजेस होंगे वो परमानेंटली आपके हो जाएंगे, क्लियर। फेल्ड ट्रांजेक्शन, फेल्ड स्टेट, द ए ट्रांजेक्शन कंसीडर टू फेल्ड व्हेन एनीवन द चेक्स फेल इफ ट्रांजेक्शन अवॉर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगी, कैन कमिट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने ATM लगाया और ATM लगाने के लिए आपने क्या किया कि आपने ATM लगा दिया, आपने अमाउंट डाल दिया, अमाउंट डालने में आपका प्रोसेस, आपने अमाउंट गलत डाल दिया, तो आपने क्या करोगे उसको, आपको दोबारा, तो आप उसको क्या करते हैं, जैसे चालू हो गया तो आपने उसको कैंसिल कर दिया, यानी उसको आपने रोक दिया, या आपने ATM लगाया, पैसा डाला, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर पैसा निकल गया, यानी पूरी तरह से आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर किसी आपको मान लो आपने ATM लगाया, बीच में लाइट चली गई, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो स्टेट आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये हमारे पास स्टेट्स होती हैं डेटाबेस में। तो टर्मिनेटेड स्टेट क्या होती है, ए स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शंस टू रीच इज टर्मिनेट स्टेट इज व्हेन सर्टेन ट्रांजेक्शन विज द लिविंग सिस्टम आर कैन नॉट कैन बी रिस्टार्टेड, सिस्टम आपका रिस्टार्ट नहीं होता उसको टर्मिनेट कर देते, क्लियर। अब आप ये हमने आपको क्या बताएं ट्रांजेक्शंस की, आपको हमने ये प्रोसेस बताई कि इतने टाइप से हम ट्रांजेक्शंस यहाँ पे करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एक है कि एसिड, एसिड मतलब होता है कि ट्रांजेक्शंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांजेक्शंस की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किन प्रॉपर्टी पर ट्रांजेक्शन काम करता है, तो ट्रांजेक्शंस की हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो एसिड, एसिड ए फॉर मतलब होता है एटॉमिसिटी, सी फॉर होता है हमारे पास कंसिस्टेंसी, I for isolation, D for durability। तो ये तीन चार कॉन्सेप्ट पे हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शंस का परफॉर्म, यानी अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन, तो हम इनको डेटाबेस ट्रांजेक्शंस के फीचर्स भी कहते हैं, कौन कौन से, ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस को कैसे आप, तो सबसे पहले जो हमारे पास है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है, अब देखिए समझ नहीं आएगा, ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन की जो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी है ये रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है कि ट्रांजेक्शन अपने अंदर, अगर ट्रांजेक्शन अपने अंदर कोई डिफाइन करता है, यानी अपने अंदर डिफाइन सभी ऑपरेशंस, यानी आप एटॉमिसिटी प्रोजेक्ट जो प्रॉपर्टी है ये डिफाइन करती है कि ये रिप्रेजेंट कि ट्रांजेक्शन्स के अपने अंदर डिफाइन सभी ऑपरेशंस, ट्रांजेक्शन्स यानी कोई आपने प्रोसेस दी तो उसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस जो आपने डिफाइन किए वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करता है कि नहीं, अगर इसका मतलब अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो
तो इसका मतलब है पार्शियल एक्सिक्यूट परमिट नहीं होगा, उसमें बीच में हम रोकने की कोई मतलब नहीं। अगर आपने जैसे मान लो दिया अमाउंट डालने के लिए आपने दिया और आपके अकाउंट में उतना पैसा है, तो आपका पैसा निकल बीच में रुकेगा। अगर आपने कोई मान लो दिया और आपने एग्जीक्यूशन किया और उसमें अमाउंट ही नहीं, तो बीच में आपका क्या होगा, कमिट होगा कि नहीं, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो जब आपका कोई ट्रांजेक्शन, यानी वो ये बोल रहा है कि आपने जितने भी आप जो ट्रांजेक्शन आपने दिया और ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन के लिए जितने भी उसमें कंप्लीट अगर हो गया बीच में अगर, तो वो पार्शियल रूप से परमिटेड नहीं होगा। हमने आपको ये देखिए बताया था, अगर आपका एक्टिव प्रोसेस है और प्रोसेस एंड है और बीच में अगर कोई भी ऑपरेशन आपको रुकता नहीं, तो सीधे आपका कमिट होके सीधे आपका क्या हो जाएगा, कमिट, और सीधे आपका प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो वही चीज़ बोलती है कि एक लेन देन ऑपरेशन की एकल इकाई है, आप इसे पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, इसे बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन नहीं करते, अधिकांश एग्जीक्यूशन हो सकता है, यानी आपका क्या कि इसका तो पार्शियल रूप से कमिट नहीं हो। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ट्रांजेक्शन में डिफाइन सभी ऑपरेशन कंप्लीट हों। ये क्या करता है कि ट्रांजेक्शन के अंदर ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी कि ट्रांजेक्शन के अंदर डिफाइन सभी ऑपरेशन अगर आपके कंप्लीट हैं, ठीक है, तो ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ऑटोमेसिटी, यानी ऑटोमेटिक सारे जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो देखिए कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या होती है कि ट्रांजेक्शन की कंसिस्टेंस प्रॉपर्टी यह इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है कि ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद, यानी जो हमने ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन हैं वो अगर आपके कंप्लीट होने के बाद डेटाबेस उसी तरह से स्टेबल रहता है, डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह स्टेबल रहता है, तो इस प्रकार का वह ट्रांजेक्शन शुरू होने से पहले, जिस प्रकार का ट्रांजेक्शन क्या शुरू होने से पहले था, उसी तरह से उस खत्म होने के बाद भी अगर आपका है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होते हैं, तो वो डेटाबेस के क्या कहलाता है, वो कंसिस्टेंसी कहलाता है। ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी, देखिए दोनों प्रॉपर्टी में अंतर समझिए। ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन के अंदर डिफाइन सभी ऑपरेशंस सक्सेसफुल एक्सिक्यूट हो गए, वो पार्शियल रूप से अगर परमिटेड नहीं हुए, तो वो ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने ए लेवल आपने स्टार्ट किया, एक डेटाबेस है, और इससे अगर आपने डेटा निकालने के बाद उस डेटाबेस पहले ही जैसा अगर डेटाबेस रहता है, इसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी कहलाती है। कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी मतलब है कि आपके डेटाबेस से डेटा निकालने से, यानी जो ऑपरेशंस आपने उसमें किए, वो ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद, सक्सेसफुल ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद, डेटाबेस पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटाबेस उसी तरह से स्टेबल रहता है, तो इसका मतलब आपके डेटाबेस की कौन सी फीचर्स है, वो कंसिस्टेंसी फीचर्स हमारे पास है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है कि अब इसको भी समझते हैं, ट्रांजेक्शन्स की आइसोलेशन जो प्रॉपर्टी है यह इंडिकेट करती है, क्या करती है कि सिस्टम के अंदर प्रत्येक ट्रांजेक्शन, ध्यान रखें सिस्टम के अंदर प्रत्येक ट्रांजेक्शन, एक सिस्टम के अंदर यानी एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी यह इंडिकेट करती है कि सिस्टम के अंदर डिफाइंड प्रत्येक जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन से अनवेयर रहता है, यानी अन्य ट्रांजेक्शन से अनवेयर रहता है, दोनों के बीच में कोई वो नहीं होता, मेल वाला लाभ नहीं होता, दोनों ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, सेपरेटली रन होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस होते हैं, यानी अगर किसी यूजर ने अपडेट की क्वेरी दी तो उसका ऑपरेशंस ट्रांजेक्शन अलग है, किसी ने अगर इंसर्ट करने का ऑपरेशंस किया तो उसका ट्रांजेक्शन अलग है, यानी दोनों जो मल्टीपल जो ट्रांजेक्शंस हैं वो दो अलग अलग हमारे क्या होते हैं, होते हैं, ठीक है। आइसोलेशन, आइसोलेशन जो हमारे पास है इंटरनेट क्या है, अनवेयर रहते हैं, ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन ऐसा माना जाता है, जो ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन है वो हम पर ऐसा मानते हैं कि वह एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है, कैसा ऑपरेशन है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। हमने आपको पहले बताया कि जैसे अगर किसी यूजर ने इंसर्ट की क्वेरी दी और किसी ने अगर अपडेट की क्वेरी दी तो एक दूसरे से कोई लेना देना उनका नहीं है, दोनों कैसी प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट।
और केवल वही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं जो, कौन से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं यह सिस्टम पर निर्भर करता है कि डेटाबेस में मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड किया गया है या नहीं। अगर मल्टीपल आपने एक्सेस प्रोवाइड किया गया, जैसे आपने कोई डेटाबेस बनाया, अगर सिंगल यूज़र डेटाबेस में अगर ऑपरेशंस दिए तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, कि एक समय में जब तक एक यूज़र काम नहीं कर लेगा तो दूसरा यूज़र उसमें एंट्री नहीं कर सकता, तो फिर हमारा स्लो। अगर हमने मल्टीपल एक्सेस दिए हुए हैं तो डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी आपका इंक्रीज़ कर देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, हमारी आइसोलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है हमारे पास, अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी, हमारे पास ये इंडिकेट करती है कि डेटाबेस पर जो डेटाबेस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, सॉरी डेटाबेस पर डेटाबेस ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन के सक्सेसफुल कंप्लीट होने पर होने के बाद अभी अगर डेटाबेस पर इफेक्ट वही रहता है जो ट्रांजेक्शन शुरू होने से पहले था, तो ये इस क्या है, डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इस प्रॉपर्टी के जरिए से ट्रांजेक्शन्स को अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है, हमने आपको ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी, कि ट्रांजेक्शन्स के सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद भी डेटाबेस का इफेक्ट वही रहता है जो पहले था, तो जिसको हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस का इम्प्लीमेंट क्या कहता है, इंटीग्रिटी कहलाता है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, ठीक है, ये हमने ट्रांजेक्शंस बताया कि डेटाबेस में ट्रांजेक्शंस क्या है। अब बात करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल्स मतलब हमारे पास है, ध्यान से समझिएगा, ट्रांजेक्शन्स जो हम ट्रांजेक्शन्स यूज करते हैं और डेटाबेस पर ऑपरेशंस का कलेक्शन होता है। क्या होता है, डेटाबेस जो हमारे पास है वो क्या है, ऑपरेशंस का कलेक्शन है, ठीक है। वह नेचर में एटॉमिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन सदैव एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, ट्रांजेक्शन सदैव कैसे जो एग्जीक्यूशन होता है वो सभी क्या होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। और यदि ट्रांजेक्शन्स पर एक पार्ट एग्जीक्यूट हो और डेटाबेस की इनकंसिस्टेंट स्टेट लाते हैं, क्या लाते हैं, एक कंसिस्टेंट स्टेट लाते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि डेटा की इनकंसिस्टेंसी स्टेज आ जाती है। कैसी आ जाती है, जैसे आधा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है आधा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी स्टेट आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अपन ने जैसे मान लो लिया यहाँ पे कि मान लो एक डेटाबेस है, एक्स नाम का रिकॉर्ड पड़ा डेटाबेस में, ए यूज़र ने भी इसको एक्सेस किया, वी यूज़र ने भी इसको एक्सेस किया, तो इसकी कौन सी स्टेट आ जाएगी, इनकंसिस्टेंट स्टेट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक साथ दोनों एक्स को एक्सेस किया, किसको पहले एक्जीक्यूट करे किसको बाद में एक्जीक्यूट करे। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक, मैं मान लो आप मुझसे एक साथ क्वेश्चन पूछने लगते हैं ऑनलाइन, तो मेरे साथ समस्या क्या रहेगी कि मैं किस स्टूडेंट का एग्जीक्यूशन पहले करूँ, यानी किसका आंसर पहले दूँ किसका बाद में दूँ।
ठीक है, तो किसके आंसर बाद में दूं किसके आंसर उसमें दूं, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो इस ऐसी स्थिति में बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि डेटाबेस पर एक साथ, तो एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस को, ट्रांजेक्शन्स को कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल इन डेटाबेस। थैंक यू, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं जो भी होगा मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ।